कांग्रेस पार्टी को चकहादरी विधानसभा से बड़ा झटका। जी हां, पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष चौधरी कल छोड़ेंगे कांग्रेस। तो पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष चौधरी कल कांग्रेस छोड़ेंगे। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है चकहादरी विधानसभा सीट से। बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष चौधरी कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं। एक और झटका कांग्रेस को ठीक चुनावों से पहले। तो लगातार कई झटके कांग्रेस को लग रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर हरियाणा की बात की जाए। हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में पसीने छूट गए कांग्रेस के, और उसके बाद से भी लगातार कांग्रेसियों की बगावत जो है हरियाणा में लगातार नजर आ रही है। और बड़ी खबर जगाधरी से इस वक्त आती हुई, पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष चौधरी कल कांग्रेस छोड़ेंगे। एक और बड़ा झटका चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ। तो कांग्रेस को अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि अब दौर शुरू होगा अपने प्रचार प्रसार का। उससे पहले अगर इस तरीके की फूट और इस तरीके से बगावत के सुर सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर ही रहेगी। तो एक बड़ा झटका एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से सामने आया, कांग्रेस के लिए सामने आया। पूर्व प्रदेश प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रहे सुभाष चौधरी जगाधरी से अब कांग्रेस से अपना दावा छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस से बगावती सुर अपनाते हुए पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा के लिहाज से यह एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, जहां पर लगातार हरियाणा कांग्रेस जो है नाजुक बनी हुई है, फूट के चलते कई धड़ों में बटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस को इस वक्त में ऐसा और बड़ा झटका लगना, जहां पर 75 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी दे रही है और सभी चीजों को साथे हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के हालात अगर इस तरीके से होंगे तो चुनावों में उसे दुरुस्त होकर चुनाव लड़ने का तो बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व मंत्री और पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के सुभाष चौधरी कल पार्टी से औपचारिक ऐलान करेंगे, पार्टी को अलविदा कह देंगे, पार्टी को छोड़ देंगे। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका।